Meanwhile, the security along Manipur's border has been tightened by the security forces after a recent surge in violent incidents in the state. Security has been tightened at the border as well as with the states near the checkpoints as well as the international border to stop militants from moving freely into the state. Schools and colleges remain closed while the internet ban in the state has been extended till September 15th. Violence has erupted in Manipur since May 2023, owing mostly to the long-standing reservation conflict between the Kuki and the Meitei communities. The conflict has killed 226 people and left others homeless with no apparent end in sight. ये जो जगह है इसका नाम है गमगीफाई। गमगीफाई ये कांकोपी और वेस्ट इम्फाल का बॉर्डर है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर चेक नाका लगा हुआ है। यहाँ पर CRPF, असम राइफल, मणिपुर पुलिस के कमांडोज सब लोग मिल करके इस नाके पर रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, कोई भी इसको क्रॉस ना कर सके और पब्लिक में शांति रहे। मेरे पीछे वाली रोड जो है ये नागालैंड और आसाम जाती है, आगे वेस्ट इम्फाल यानी कि इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इस जगह का नाम फिर से बता दूं, गमगीफाई नाका है। यहाँ CRPF भी रहती है, असम राइफल भी रहती है, मणिपुर पुलिस के कमांडोज भी रहते हैं एंड ऑल आर टुगेदर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। बाकी गाड़ियों की आवाजाही आप देख ही रहे हैं, यू आर सीइंग द स्माइलिंग फेसेस। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। द सिचुएशन इज फुल्ली अंडर कंट्रोल। कहीं कहीं पर जो आप CRPF कैंप पे हमले की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ फ्रिंज एरिया, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, वहां पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं जिसको हमारी फोर्सेस टैकल भी कर रही है और स्ट्रांगली जो है मिसक्रिएंट्स को जवाब भी दे रही है। जो भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको जवाब दिया जा रहा है। Meanwhile, the security along Manipur's border has been tightened by the security forces after a recent surge in violent incidents in the state. Security has been tightened at the border as well as with the states near the checkpoints as well as the international border to stop militants from moving freely into the state. Schools and colleges remain closed while the internet ban in the state has been extended till September 15th. Violence has erupted in Manipur since May 2023, owing mostly to the long-standing reservation conflict between the Kuki and the Meitei communities. The conflict has killed 226 people and left others homeless with no apparent end in sight. ये जो जगह है इसका नाम है गमगीफाई। गमगीफाई ये कांकोपी और वेस्ट इम्फाल का बॉर्डर है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर चेक नाका लगा हुआ है। यहाँ पर CRPF, असम राइफल, मणिपुर पुलिस के कमांडोज सब लोग मिल करके इस नाके पर रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, कोई भी इसको क्रॉस ना कर सके और पब्लिक में शांति रहे। मेरे पीछे वाली रोड जो है ये नागालैंड और आसाम जाती है, आगे वेस्ट इम्फाल यानी कि इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इस जगह का नाम फिर से बता दूं, गमगीफाई नाका है। यहाँ CRPF भी रहती है, असम राइफल भी रहती है, मणिपुर पुलिस के कमांडोज भी रहते हैं एंड ऑल आर टुगेदर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। बाकी गाड़ियों की आवाजाही आप देख ही रहे हैं, यू आर सीइंग द स्माइलिंग फेसेस। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। द सिचुएशन इज फुल्ली अंडर कंट्रोल। कहीं कहीं पर जो आप CRPF कैंप पे हमले की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ फ्रिंज एरिया, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, वहां पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं जिसको हमारी फोर्सेस टैकल भी कर रही है और स्ट्रांगली जो है मिसक्रिएंट्स को जवाब भी दे रही है। जो भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको जवाब दिया जा रहा है।